अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद अहमद और मौजूद हूं भेरा इंटरचेंज से, और आज ट्रैवल कर रहा हूं लाहौर से इस्लामाबाद और फिर वहां से मरी और नथिया के लिए और बूरबन के जगह तक। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं विज़िट करूँगा पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज। चले आएँ और इस ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। होटल है, यू हैव के एफ सी हेयर, मैकडोनल्ड्स हेयर, मोनाल भी यहाँ पर है, डंकिन डोनर्स भी है, राहत बेकरी भी है, नेम इट यू हैव इट। यहाँ पे बहुत सी फूड चेन्स हैं और बहुत मज़ेदार खाने हैं। सो दैट्स द टॉप पिक अगर आप लोग मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और लंच डिनर या कुछ भी आप रास्ते में प्लान कर रहे हैं। जी तो मैं मौजूद हूँ इस टाइम सऊदी फ्राइड चिकन पे और इनका हम लोग जो है रोस्ट खाएंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे। कुछ इनके साथ जिंगर बर्गर है, वो वाली डीप इनकी जो है आज हम ज़रूर ट्राई करेंगे। कोशिश की है कि थोड़ा सा डिफरेंट फूड ट्राई की जाए या भेरा इंटरचेंज पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई। गाइज आफ्टर ड्राइव ऑफ 3 hours मैं जो है पहुँच चुका हूँ इस टाइम कश्मीरी लॉजेस में, और चलते हैं और आपको यहाँ का रूम भी विज़िट करवाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे रिसेप्शन है, 3 floors हैं और ज़्यादातर फ्लोर्स नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जो है यहाँ पे है मेस हॉल। तो नीचे चलते हैं जहाँ पे हमारा रूम है। साथ ही बाहर बालकोनी भी है और बालकोनी के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे आउटडोर सिटिंग है, और नीचे बहुत प्यारा सा एक फॉरेस्ट के अंदर इन्होंने कैंपिंग साइट बनाई हुई है और बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ की साइट है, कुछ प्लेग्राउंड है, झूले हैं। सो इट्स फन। सारी एरिया जो है ये इन रूम्स के साथ जो 8-10 rooms हैं उनके साथ ये सिटिंग एरिया है, और नीचे बहुत ही खूबसूरत व्यू है फॉरेस्ट का। सो गाइस जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मौसम यहाँ पर ठंडा होता जा रहा है और ख़ास तौर पर जो है बादल आते जा रहे हैं। सो अभी मैं यहाँ पहाड़ पे से नीचे जाऊँगा, और बड़ी अच्छी यहाँ पे इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई है और हर स्टेप पे बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। इट्स इंडीड अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड अ क्वाइट प्लेस, और बल्कि एक प्राइवेसी सी है यहाँ पे। सो यार ये बहुत ही प्यारा जो है इन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है, और रात को तो ये लाइटिंग करके बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। चले आए इसके अंदर का एक चक्कर लगाते हैं। वाओ, वेरी नाइस प्लेस। और यहाँ पे खूब उन्होंने पूरा जो है तकिए वगैरह, चादरें और साथ ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं, तो सिटिंग के लिए चेयर्स भी हैं, और आउटडोर जो है बहुत ही प्यारा व्यू है। अब हम यहाँ से जाएंगे और जाके बूरबन में कोई और जगह जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे, और कोई मज़ेदार से खाने जो है ढूंढ के उसको खाएंगे इंशाल्लाह।
सो दोस्तों खाना खाने पहुँचे हैं जी चिनार गोल्फ क्लब में, और ये बिल्कुल पीसी बुर्बन के साथ ही 10 कदम की दूरी पे है। खाना इसका मशहूर है, तो चले आए, चलते हैं, ऑर्डर करते हैं यहाँ पे। आप यहाँ खाने में मौजूद हैं काफ़ी मज़ेदार चीज़ें, जैसे कि सूप वगैरह तो है ही, उसके अलावा देसी फूड के काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं, जैसे बिरयानी, कढ़ाई और दाल माश और वेजिटेबल्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी है वो है चाइनीज़, और हमने जो है आज ऑर्डर किया है देसी भी और चाइनीज़ भी, और इंशाल्लाह ये आता है तो आपके साथ इसका रिव्यू तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बट एम्बियंस इस जगह की बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत जगह है बैठने के लिए, सो वी आर रियली एंजॉइंग अवर टाइम हेयर। जी तो आप यहाँ भूरबन में हो और ये क्रिकेट ग्राउंड ना देखें यार, यू वुड मिस रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है जो कि बनाया गया है पीक टॉप पे, और यहीं से वो प्लेयर्स हैं जिनके भाई स्टेमिने बनते हैं पहाड़ों पे इस हाइट पे भाग भाग के। सो हैव अ लुक। यहाँ जो सनसेट का नज़ारा है सुबहानअल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एक फॉरेस्ट का माहौल है, सनसेट है, खूबसूरत मौसम है, जस्ट चेक इट आउट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, एक नई खूबसूरत सुबह के साथ एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। चलें इंशाल्लाह आज का सफ़र जो है वो होगा मरी नथिया गली, और इस पूरे रीजन के इर्द गिर्द को एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं, चल के कोई खाने शाने का बंदोबस्त करते हैं पहले तो नाश्ते का, और आपको यहाँ सुबह मॉर्निंग का व्यू दिखाते हैं कि क्या खूबसूरती है। चल लेट्स गो। सो दोस्तों मैं इस टाइम मौजूद हूँ पाइपलाइन, इस ट्रैक का नाम है, बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है ये, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक तो जाता है और मिलाता है अयूबिया को डूंगा गली से। यहाँ पे बर्ड्स की वॉइसेस और नेचर जो है आपको ऐसे एक तिलस्माती किस्म की जो है दुनिया में ले जाती है, अनबिलीवेबल। आई बिलीव कि वो सब लोग जो कभी भी नथिया के लिए या इधर अयूबिया या मरी की तरफ आते हैं नेवर मिस दिस ट्रैक, इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट हियर। सो गाइज हैव अ लुक एट इट, बहुत ही खूबसूरत। आई मीन सनी वेदर के अंदर भी ये जगह इतनी ही, आई कैन रियली फील कि यार जगह बहुत ठंडी है और बहुत खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ यहाँ की ये है कि अगर आप लोग शाम को आते हैं या ख़ास तौर पर विंटर में इस जगह को विज़िट करते हैं तो भाई यहाँ पर चीते मिलना और टाइगर्स मिलना कोई जो है गैर मामूली बात नहीं है। यू कैन रियली सी इट हियर ऑन द ट्रैक। इस जगह की अपनी एक वाइब है, एक ऐसे जैसे डीप फॉरेस्ट का मज़ा जो है वो आप इस ट्रैक के ऊपर ले सकते हैं, वंडरफुल। और ख़ास तौर पे आपको यहाँ पे समर सीज़न में बहुत सारे चश्मे भी बहते नज़र आ जाते हैं, और अर्ली स्प्रिंग के सीज़न में भी यहाँ तो भाई अक्सर बर्फ़ जमी होती है और बेशुमार आबशारें जो हैं वो इस जगह पर मिलती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर दरख्त जो है वो पाइन ट्रीज़ हैं। बस एक काम करना जो बहुत ज़रूरी है कि भाई इस जगह की खूबसूरती का ख्याल रखा जाए और गंदा होने से इसको बचाया जाए, क्योंकि यार ये यहाँ पे जो बच्चे बचा रहे हैं और बड़े भी किसी से कम नहीं।
इस जगह को भरा हुआ है फ्रॉस्ट के डब्बों से और लेस के शॉपर से। दोस्तों ये है बैक साइड पे द वाइल्ड लाइफ ऑफ अयूबिया। पूरे का पूरा पहाड़ जो है वो यार ऐसे के दरख्तों से, अखरोट के, बादाम के और पाइन के ट्रीज़ हैं, भरा पड़ा है और ख़ूबसूरत और इतनी प्यारी खुशबू है यहाँ पे। सो भाइयों, 2 घंटे 2.5 घंटे की ट्रैक के बाद हम पहुंच गए हैं वापस अयूबिया और अब चलते हैं यार, फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री। चलते हैं और चल के कुछ खाने छाने का बंदोबस्त करते हैं। हम लोगों ने ट्रैक किया था 3 बच्चों के साथ, सबसे छोटा जो है वो 3 साल का था। सो दे ऑल डिड इट, बहुत ईजी है, प्लेन है, कोई हाइट ज़्यादा नहीं है। होप यू वुड एंजॉय इट। मैं इस टाइम मौजूद हूँ अल्पाइन होटल के जो है कह लें आप ट्री हाउस में और यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पे हम लोग डाइन कर रहे हैं और खाएंगे खाना जो इनके आउटडोर डेक्स हैं भाई। इस गोर वहाँ पे फ्रेश एयर है, सब कुछ है, लेकिन मक्खियाँ जो हैं वो एक्सपीरियंस हमने किए हैं इस दफ़ा तो कम अज़ कम मैं कह सकता हूँ, आपकी बड़ी कम मैं कह नहीं सकता। सो लेट्स चेक द व्यू फ्रॉम हेयर। बहुत ही ज़बरदस्त खाना और मज़ेदार है यार। एक तो जलफ्रेजी हमने ऑर्डर किया है और दूसरा क्या था जी, दूसरा चिकन जिंजर है, मंचूरियन और साथ राइस हैं। सो दोनों देसी और चाइनीज़ का यहाँ पे फ्लेवर इकट्ठा किया है। एवरीथिंग इज़ वेरी टेस्टी, आई हाईली रिकमेंड यार, आप लोग जब भी आएँ ज़रूर जगह विज़िट करें और खाना यहाँ का बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। सो जनाब, बहुत ही मज़ेदार खाना खाने के बाद जो है आप आइसक्रीम का जो है एक साथ फ्लेवर ऐड करेंगे और आपको सबसे पहले तो दिखाते हैं कि आइसक्रीम ये सर्व कैसे करते हैं।